अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रेश के परिवार वाले स्वयं आपका कार्य कर रहे हैं। अकारण ही सब हमें दोष देते रहते हैं कि देवी पौलमी ईर्ष्या और अहंकार को बढ़ावा देती है, किंतु ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि मनुष्य के भीतर ये गुण पहले से ही हैं। इसीलिए तो हम शक्तिशाली हैं। मनुष्य चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर ले, किंतु छल, असत्य और ईर्ष्या से कभी नहीं बच सकता। इसीलिए कोई देवगण ये भ्रम न रखे कि वो हमारे अस्तित्व को समाप्त कर सकते हैं। देवी पौलमी का अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक धरती लोक पर अधर्म रहेगा। क्या अनुज बाबू, लगे हो मोबाइल में? हाँ, अरे पापा आप भी ले लीजिए स्मार्टफोन। अच्छा, जरा कम कीजिए, नुकसान पहुंचाएगा आप। पहले नाश्ता कर लीजिए। अच्छा जी, काम करिएगा। बोलिए। जब आप इससे घर आएंगे ना, तो आते वक्त संतोषी माता के मंदिर आ जाइएगा। आए तो कहा है ना, स्वाति के ससुराल में सब ठीक ठाक हो गया है। हम सोच रहे हैं संतोषी माता को धनपात कराए। अच्छा ठीक है, तुम क्या करेंगे, ऑफिस से लौटते समय तुम्हें मैसेज कर देंगे, ठीक है? आज शुक्रवार है, व्रत की होगी, पता नहीं पूजा कहाँ करेगी, मंदिर में या घर में। अनुज क्या कर रहे हो, सुन रहे हो? देखिए दरवाजे पे आवाज हो रहा, मोबाइल बाद में खेलिएगा। हाँ बाबा, देखते हैं। रामेश्वर कौन है यहाँ? दरोगा साहब, आप कहाँ बात हो गई? रामेश्वर कौन है? पहले आप ही बताइए कि आप ऐसे कैसे घर के अंदर घुस आए? हम हैं कानून के रखवाले, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब ये बताइए कि रामेश्वर कौन है? हाँ हम ही हैं, कहिए क्या बात है। चलिए हमारे साथ थाने, हम हुए बताते हैं। काहे का किए हैं हम? अवार्ड तो जीते नहीं ना, इसलिए सवाल कम करिए और चलिए थाने। दरोगा साहब, आप इन्हें इसे कैसे ले जा सकते हैं? अरे पहले ये तो बताइए, हमारे पापा ने क्या किया है? रपट दर्ज हुई है इनके खिलाफ, इन्हें थाने ले जाना पड़ेगा। अरे पर रपट दर्ज हुई है तो किसने की है, जुर्म का है, ये तो बताइए दरोगा जी। बोल रहे ना, चलिए थाने, तुम्हें सब पता चल जाएगा। चलो थाने। नहीं, नहीं, नहीं। आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक हम इन्हें नहीं ले जाने देंगे। देखिए मैडम, मामला डिपार्टमेंट का है, बस थोड़ा सा पूछताछ करेंगे और छोड़ देंगे। ले चलो भाई ने। अरे इंस्पेक्टर साहब, ज्यादा जबरदस्ती मत करिए, आपका वीडियो बना के ना सोशल मीडिया पे डाल देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, समझ रहे हैं ना आप? अच्छा वीडियो बनाओगे तो बनाइए ना वीडियो, हम भी 40 केस ठोकेंगे तुम्हारे इस वीडियो में, इतनी जन्म लेके ना सजा नहीं काट पाओगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि वीडियो ऑडियो का धौंस देना बंद कीजिए और कानून के कार्य में सहयोग कीजिए। ऐसा कैसे? एक मिनट दरोगा साहब, शांत रहिए जरा, हम चलते हैं आपके साथ। अनुज, अर्चना, अरे तुम काहे घबरा रहे हो भाई? अरे हमने कोई गलत काम थोड़े ही ना किया है, करने की क्या जरूरत है? हैं, हम आते हैं। चलिए चलिए दरोगा जी, ले चलो। चलिए चलिए, अरे आते हैं, हम आते हैं। दरोगा साहब एक बात सुनिए तो सही। पापा अभी चलो, ले चलो और जीप में बैठो। दरोगा साहब ये कुछ नहीं किए, सुनिए तो सही। दरोगा साहब, अरे भले आदमी थे, बेटी ने तो इज्जत ही उछाल दी। देखो पुलिस घर तक आ गई है। ये एडवांस जमाना है बहन, लड़की होकर भी लो मैरिज कर ली, पता नहीं और का का किया होगा, तब जाके तो बाप को जेल में लेके गए। तमाशा चल रहा है, जाइए आप लोग अपने घर, हमको भी काकड़ा टाइम है। चलो लो, लो।
माँ, मानो या ना मानो, ये सब सिंहासन सिंह ने किया है। हम बात करते हैं उससे अभी। नहीं अनुज, तुम कहीं नहीं जाओगे और ना ही अपनी दिद्या को कुछ फोन पे बताओगे। काहे ना बताए कुछ? देखा नहीं तुमने क्या हुआ है? क्योंकि स्वाति ने हमें बताया कि उसके घर में सब ठीक हो चुका है। इंद्रेश का परिवार उसको अपने बहू भी स्वीकार कर चुका है। सिंहासन सिंह चाहे हमसे जितना मर्जी दुश्मनी पाल ले, हम सब सहन कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी दिव्या को कोनो परेशानी नहीं होना चाहिए। और सवाल रहा तुम्हारे पापा का, तो जब उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो उनके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। चना गुड़ सब ले लिए, जाकर स्वाति को देते हैं ताकि वो पूजा की तैयारी कर सके। अरे दीदी आप कैसी हैं? हरताली का तीज व्रत के बाद तो आप दिखी नहीं, हमने कितना ढूंढा आपको। शादी हो गई तुम दोनों की? जी, आपके बताए हरताली का तीज व्रत और माता संतोषी के आशीर्वाद से सब हो गया। हमें आपको धन्यवाद भी कहना था, हमें रास्ता बतलाने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। हम तो यही चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो। अच्छा दीदी आप रहती कहाँ हैं? वहाँ मंदिर के पास। अच्छा वो संतोषी माँ के मंदिर के पास? हाँ वही। नारायण नारायण। माते दिखा दीजिए अपना घर ताकि ये दोनों आपसे भेंट करने हेतु आ सके। तो फिर आज दिखा दीजिए अपना घर ताकि हम और स्वाति आपसे मिलने आ सके। नारायण नारायण। माते अब तो अपना घर दिखाई दीजिए, स्वयं महादेव के भक्त आपसे पूछ रहे हैं। हाँ जरूर दिखाएंगे किसी दिन, अभी तुम जाओ, स्वाति तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जी जी जी, वो आज स्वाति का शुक्रवार का व्रत भी है और हम भी संतोषी माँ का व्रत पहली बार रखे हैं। अपनी पत्नी का हर कदम पर साथ देना अच्छी बात होती है। वो तो है दीदी, लेकिन हमारे घर के हालात आजकल ठीक नहीं है, वरना हम आपको ही बुलाते हैं पूजा के लिए। मन से याद करोगे तो हम वहाँ जरूर होंगे, किसी दिन आएंगे तुम्हारे घर। अभी तुम जाओ, स्वाति इंतजार कर रही होगी। जी नमस्ते। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते अब चले अपने घर। अम्मा भौजी दादी भोपा बंद करो पहले अपना। देखो जाके वो महारानी पूजा घर में संतोषी माता की मूर्ति रखाई है, उठा फेंक दो। और नहीं तो का कई दो कौड़ी की लड़की अपने भगवान को हमरे भगवान की बराबरी पे रखेगी? अरे किया जाके उसको बोल दे, ना उसको इस घर में जगह मिलेगी ना उसके भगवान को। ओए कुंती, दुश्मनी हमारी वो लड़की से है, संतोषी माता से हमारा कोई बैर नहीं है। मूर्ति उठाओ लेकिन आराम से, जिसे वो संतोषी माता को ये पता लगे कि वो लड़के को हम अपने घर में नहीं रखना चाहते। हाँ तो ठीक है ना, पहले वो मैडम की संतोषी माँ को घर से बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद मैडम को भी बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है चलो। हम आप सबके आगे हाथ जोड़ते हैं, भगवान के लिए ऐसा ना करो। अच्छा आप लोग यही चाहते हैं ना कि संतोषी माँ की मूर्ति पूजा घर में ना रहे, तो हम खुद ही उसे उठा लेंगे, पर उनकी मूर्ति को घर से बाहर ना करो। जब तुम मूर्ति खुद अपने पास रख सकती थी तो हमरे मंदिर में काहे रखी? हम तुम्हारी सब चालाकी समझते हैं, भगवान के माध्यम से तुम पहले हमरे मंदिर पे कब्जा करोगी और उसके बाद हमरे घर पे। हम ये होने नहीं देंगे। एकदम ठीक अम्मा। चलो। नहीं रुक जाइए रुक जाइए। तुम दोनों उचित कह रही थी, अब तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, हमारे मन का तो हर कार्य स्वयं हो रहा है। चलो
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमको रोकोगी? ऐसा मत कीजिए ना भाभी, बचपन से लेकर आज तक संतोषी माँ हमारे साथ ही रही, ये हमारी आराध्या देवी है। अरे काहे की आराध्या देवी? संतोषी माता की भक्त होती ना तो मन में संतोष होता, ये नहीं कि हमारा अमीर लड़का देखा और लग गई उसे फंसाने। आप बनाकर झूठी भक्ति दिखा रही हो। लवली जा मूर्ति बाहर रख के आ। नहीं 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 रुक जाइए भाभी, रिंकी पकड़ इसको, ऐसे नहीं मानेगी। जा लवली रख बाहर, देख तुझे भी हम ऐसे ही बाहर निकालेंगे। चल रिंकी ले चल इसको, दिखा दे। चलो तुम पहले खुद घुसाई हमारे घर में, फिर अपने भगवान घुसा लिए हैं। अब यही रुको, रुक जाइए भाभी। चुप और यही रुक। यहाँ रखते हैं अम्मा। हाँ वहीं रख, वही है उनकी जगह। भाभी रुक जाइए, छोड़ दीजिए मूर्ति को। उसे बिहार के आइए, कोई ना कोई बुरी घटना हुई ही जा रही है। बड़ी कलंकनी है। सत्यनाशी की भाभी हमको दिखाइए। चुप, हमारी बहुरिया से बिल्कुल दूर रहा है। चल हट यहाँ से। तुम्हें गिरने नहीं देंगे। ये देखो, यहाँ महारानी जी ने भौजी के हाथ तोड़ दिए और हमारे भैया फिल्मी डायलॉग मार के पोज बनाए खड़े हैं। भौजी का हाथ महारानी जी ने नहीं तोड़ा है, बल्कि माता रानी ने तोड़ा है। संतोषी माँ ने सजा दिया इन्हें। पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया बे नलकू विभाग की लौंडिया ने तुम पर, जो एकदम जोरू का गुलाम हो गए हो? तो परम पूज्य पत्नी की भाषा भी बोलने लगे हो। अगर पत्नी सही है तो उसकी भाषा बोलने में कोई बुराई है का? स्वाति संतोषी माँ की भक्त है, अगर उसके साथ गलत करोगे तो आप सबके साथ गलत होगा। देवात्मा तो तुम्हारा ही कहना है कि सब तुम्हारे भक्तिन बीवी की माता संतोषी जी की सजा है। बहुत अच्छा काम कर रहे बेटवा, अपने प्रेम विवाह की नौटंकी का एक पात्र माता संतोषी जी बना लिया। एक बात बताओ, वहाँ ऊपर माता संतोषी का और कोनो काम नहीं ना का, जो यहाँ पेड़ की डाली गिरा रही है, लोगन का सजा दे रही है। मतलब इतना प्रेम अपने भक्त के लिए।
मैं बता रहे बाबूजी की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, नशा पत्ती करने लगा है। आजकल जो मन में आता है बोल देते हैं बस। कलयुग है भाई, कलयुग है। हमारे जमाने में मजा ले किसी की बाप और महतारी के सामने अपनी मेहरिया के पक्ष में दो शब्द भी बोल सके। मतलब पत्नी के पक्ष में ना बोलने से सतयुग आ जाएगा। हाय देखो बड़ों से कैसन बात कर रहा है, एक तो एकदम ही बदतमीज हो चुका है। दवाई लगा देते हैं, चलो। लगता है हम घर में काम नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे अम्मा। अरे अम्मा दवाई लगा तो रही है ना तुमको, और क्या चाहिए, अब चिल्लाना बंद करो। नहीं फिर भी चुप थोड़े होने वाली हैं। इनका टीवी और रेडियो में अनाउंसमेंट चाहिए, अखबार में इश्तहार चाहिए कि खाया लवा थम पड़ी है, तब इनका भोपू बंद हो। चलो तुमको दवाई लगाते हैं। और हीरोइन हम तुमको समझा रहे हैं, तुम्हारी मूर्ति हमारे मंदिर में नहीं रहेगी। अरे मूर्ति छोड़ो, खुद ही देवी जी का पैर तक नहीं पड़ने देंगे अपने घर में। कहा है हमारा घर है, कोई मुगल सराय स्टेशन नहीं कि कोई भी मुंह उठाए चला आया। तो देवी जी हमसे हमारे घर से दूर रहो। सती बहुत हुआ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम्हें अपने मम्मी पापा के पास नहीं रहना था, हम नहीं रहेंगे, कौन और जगह देख कर रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। और वैसे भी हमारे प्यार को ये घर, ये समाज कभी नहीं समझेगा। तुम हो, हम हैं, संतोषी माँ है, और हम अपने भोलेनाथ को भी ले लेंगे। हो ही गया हमारा परिवार पूरा। संतोषी माता अभी हमसे सब नाराज है, इसलिए उनसे अनजाने में इतना बड़ा अपराध हो गया। आप हो सके तो उनको माफ कर दीजिएगा। स्वाती हम तुम्हें चलने के लिए कह रहे हैं और तुम कुछ और ही बोले पड़ी हो। इंद्रेस हम संतोषी माँ की भक्त हैं, जो रिश्तों को जोड़ने का काम करती, तोड़ने का नहीं। हम तुमको तुम्हारे माँ बाबू जी से दूर नहीं कर सकते। हमें अपनी संतोषी माँ पर पूरा भरोसा है, देखना वो सब कुछ ठीक कर देंगी। अभी चलो अंदर चलते। कहाँ हुआ, कहीं नहीं चल रहे? समझ नहीं आता कौन मिट्टी से बनी हो, सब तुम्हारे बारे में उल्टा सोच रहे हैं, लेकिन तुम अब भी सबका भला ही सोच रही हो। कसम से हमारा सारा गुस्सा एक मिनट में छू मंतर कर दिया तुमने। अब चलें। इंद्रेश क्या कर रहे हो, हमारा व्रत है। हाँ तो हमारा भी व्रत है, तो ढंग से रहो ना। सही तो है, व्रत में प्यार करना मना है का? मैडम से पूछते। मैडम मैडम वो दरोगा जी। दरोगा जी वो इंस्पेक्टर साहब हमारे पति को लेके आए हैं। कौन पति? रामेश्वर जी हमारे पापा। अच्छा तो तुम रामेश्वर के बेटे हो। हमारे पापा ने कुछ नहीं किया, उनको छोड़ दीजिए ना। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम लोग यहाँ बैठ कर दांत भी घिसोगे ना तब भी नहीं छोड़ेंगे उसे। एक बार मिलने दीजिए उनसे। अरे क्या मिलोगे उससे, ऐसे अधर्मी लालची और बेईमान आदमी से मिलकर क्या फायदा। तमीज से बात करिए, पापा बाप रे। ए, हमको तमीज सिखाएगा? बहुत गर्मी चल गई तुमको। दरोगा जी हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए आप। ए अनुज, अरे अनुज क्या कर रहे हो, माफी मांगो फौरन उनसे। इंस्पेक्टर साहब
माफ कर दीजिए, बच्चा है मुंह से निकल गया, गलती हो गया इंस्पेक्टर साहब, माफ कर दीजिए। बहुत गर्मी चढ़ा था, पुलिस को धौंस दिखाता है। चलो इन दोनों को हवालात के अंदर, एक ही अकड़ निकाल दो। दरोगा जी बात तो सुन लीजिए हमारी, अरे हम कह रहे हैं कुछ नहीं किया हमने। अरे इंस्पेक्टर साहब सुन लीजिए ना। अरे क्या जरूरत थी तुम लोगों को ही आने की, देख नहीं रहे हो यहाँ हमारी सुनने वाला कोई नहीं है।